ये है सामने का मेन जो अच्छा लगा मेरे को, बाकी अंदर का पता लगेंगे। और ये बोटिंग वगैरह हो रही है, यहाँ भी ट्राई करेंगे। बारिश अगर तेज ना हो तो मज़ा आता है यार, क्योंकि कैमरा निकालने में और लेंस के अंदर पानी डल जाता ना, मज़ा सा खराब हो जाता थोड़ा सा। ये देखो बोटिंग करनी है, ऐसा लग रहा सामने पुतला खड़ा हुआ देख रहे रेनकोट पहन के। वो बंदा है अभी पास आ जाता हूँ, हिल गया हरकत हुई देखो। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था भाई, हिल ही नहीं रहा था एकदम। नो एंट्री, यहाँ से आए थे सामने से घूम के ऊपर, वो सामने सनसेट व्यू है, यहाँ से भी है कि पैलेस म्यूजियम, टिकट काउंटर। चलते हैं अंदर म्यूजियम चेक करते हैं क्या क्या रखा हुआ हमारे लिए देखने के लिए। यहाँ पे मेरे को ना एक चीज़ बढ़िया लगी है कि यहाँ पे ना गार्ड जो भी, सिक्योरिटी गार्ड जो भी हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ से ऐसे रास्ता है, ऐसे रास्ता। कई जगह पे ना कोई बताता ही नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा सही लगा। वे टू सिटी म्यूजियम, अबे कहाँ है बताओ तो सही, बोल ही जा रहे हो बोर्ड लगा के है कहाँ। थैंक यू फॉर रीडिंग। सामने है ना, सामने वहाँ है ना, जो ये लेके आता ना गाड़ी उसके लिए स्टैंड है यहाँ पे। हम लोग तो पैदल जाने वाले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी गुड़ी जवान है यार, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ये है सामने तोरण पोल, अभी है क्या अंदर जगह पता लगेगा। और यहाँ पे गाइडर बहुत मिलते हैं यार, जगह जगह पे गाइडर बहुत होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है गाइडर की यार, हमें क्या आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि ना हर कोई गूगल पे समझदार होता ही है, हर चीज़ें मिल जाती है नेट पे, क्योंकि इसलिए बार बार गाइडर करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, पैसा वेस्ट है गाइडरों का। तो अपने आप चीज़ें चेक करो, अपने आप एक्सप्लोर करो। मेंटेन एंड मेन एंट्रेंस हो रही, ये है सारी इन्फॉर्मेशन। सारी लगी हुई है, राम पोर्ट और बने आया सामने एंट्रेंस, यहाँ से एंट्री होगी, वहाँ पे चेकिंग होगी सामने अपने बैग की, क्या क्या लेके जा रहे हो, बाकी तो कुछ नहीं। चलो निकलो, अबे लेडीज जेंट्स। अच्छा नहीं वो यूज़ नहीं करता, अभी हाथ से पड़ा हुआ है, तो भी सर ने बोला कि स्टैंड यूज़ नहीं करना यहाँ पे, मतलब प्रोफेशनल नहीं करना, अगर ठीक है हाथ से टिकट चेक कराओ सर को, इसलिए बैग लेके आए हम, क्योंकि बारिश हो रही है ना, टिकट ना गीली हो जाए वो पता नहीं लगेगा यार। ये जुगाड़ बढ़िया लगा यार, टक दे के मारिए। ये देखो ओ, ऊपर जाना भाई, आज आलू के परौंठे सारे हजम हो जाएंगे। चलो बारिश में हमने सोचा था, बारिश में हमने सोचा निकलेंगे नहीं, पर हमने हिम्मत नहीं हारते, कहीं भी आते ना बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, आंधी आए हमने जाने जाना, यहाँ भी टिकट देनी पड़ती है, ठीक है ना। राइट साइड जाना, राइट साइड भीड़ होगी, भीड़ फुल फुल टू भीड़। इधर था फर्स्ट साइड, ये बनी हुई सामने, ये ठीक है ना, यह लिखा हुआ जगह जगह विजिट, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। लिखा ऊपर माइंड योर लैंग्वेज, नहीं ये पढ़ो हिस्ट्री, उसके बाद दिखाता हूँ एक ज़बरदस्त चीज़ कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। पुराने टाइम में ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए था, जब ये लड़ते थे तो उनके, जैसे हमारे पंजाबियों में ना सरदारों में अखाड़ा होता ना, हर नगर कीर्तन में खिला जाता है, उसकी जैसी सेम ड्रेस लग रही है, मतलब उससे मिलती जुलती लग रही है। और ये देखो सामने ढाल कृपान, अपने अपनी लैंग्वेज में, मतलब पंजाबी की लैंग्वेज में ही बोलते हैं ढाल कृपान, इनकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हाथ में डाल के। हाँ ऐसे था, ऐसे ऐसे
हाँ ये जो है वो ये है। ये खाली खाली आवाज ही गूंज रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंदर जाना मना है। हाँ यहाँ से व्यू नजर आता है, उन्होंने मना किया हुआ। और थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि वीडियो में वाइड एंगल में ना वो आ रहा है, लेंस का ब्लर से आ रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, जो कि हमारे जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तलवार मारी तो ऐसे ही, देखो पूरा काट दिया, एक साइड पूरी काट दी, थोड़ा तक काट दिया पूरा, इतनी मतलब खींच के जोर से इतनी मारी है। देखा हुआ नीचे पढ़ लेना, मेरे सामने राणा प्रताप का हल्दी घाट में घाटी में। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर ऐसे देख के। और ऊपर चलते हैं, सामने थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पे क्राउड थोड़ा सा आया हुआ है, मौसम के चक्कर में भी वैसे भी। ये 7 था ना, ऊपर 8 है। ओल्ड पैडलॉक और ये पूरा नक्शा मैप ऑफ मीवर स्टेट 1937। चंद्रा महल पे आगे ना सारी लेवल होता ना मैं एकदम मजेदार। बढ़िया नज़ारा यहाँ से भी सामने का सारा। कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक ठाक रहना जी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। सामान बहुत ब्रांड है, चप्पलें चेयर जहाँ बैठते थे, नाम इनका क्या है मुझे भी नहीं पता, नाम बताता हूँ, नाम तो पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है भाई। ये देख लो छोटे छोटे रास्ते, आ जा नहीं भाई। दो कैमरा पर बड़े पुराने पुराने दरवाजे यार, फोन ध्यान से देखना पड़ेगा निकालने के। हाँ और ये देखो पीछे भी पूरा बड़ी स्मेल थी, नहीं आ रही कुछ पुराने टाइम की स्मेल भी दे दी गई उन्होंने। सामने देखो केज जिनके लिए पुराने टाइम के। अभी ये वाला थोड़ा एरिया बिजी है, बाद में दिखाता हूँ। जी ये देखो, ऑन 12 दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज वेयर ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ टू इंडिया दरबार। सामने एक्सपर्ट और उधर भी, वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना यहाँ पे कुछ। Thank you.
यहाँ से कुछ बढ़िया व्यू नजर आता सामने से। चलो कोई बात नहीं, ये देखो वो सामने सामने का पहाड़ है, पीछे वो गाइड समझा रहे हैं। सबसे बढ़िया मौका है अगर आपने गाइडर नहीं करना ना, जैसे किसी को बता रहे हैं ना, नॉलेज दे रहे हैं, तो वहाँ जाके आप भी खड़े हो गए सुन लो, फायदा ही है, पैसे बचेंगे। मुझे टिप, छोटी टिप थी मेरे, वो देखो सामने ना हाथी, हाथी हाथी सुनाई दे रहा है यहाँ पे, ज़्यादा हाथी से ज़्यादा प्यार है। वहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको ज़बरदस्त, वो देखो एक तो मौसम बढ़िया हुआ पड़ा है, ऊपर से व्यू चेक करो, तो ये जगह देख रहे हो नीचे वाली, यहाँ पे हाथी लड़ते थे सूंड से, फोटो भी लगी हुई यहाँ पे, व्यू जबरदस्त। इसमें से भी पहन लिया, वाइट वाइट ज़्यादा लग रहा है, दो दिन से दम से सोया भी नहीं था ना, इस चक्कर में भी हुआ था से लड़ते थे हाथी। तो मैंने आपको आपको जगह दिखाई ना, साथ जा रहे हैं बारवा नंबर, माइंड योर हेड, साथ साथ सफाई भी जरूरी है, कितना बढ़िया है बारिश चक्कर में। क्या हो रही है, मैं इसी साइड में खड़ा हूँ, यहाँ से वो दिखा दो मैंने आपको, और यहाँ पे खिड़की है लिखा हुआ प्लीज़ डू नॉट टच, काफ़ी चीज़ें मतलब उनके टाइम की फ़ोटो वगैरह काफ़ी आपको देने पड़ेगा, आगे वाले कैमरे में फ्लैश से तस्वीर लेने की मनाही है। जगह ही नहीं है क्या दिखाएंगे। आपको ना पुरानी चीज़ बताते हैं, लैम्प जो पुराने टाइम में ना लैम्प था मेरे पास ही पड़ा हुआ ऐसा, पर ये थोड़ा पुराना है। फैन देखो सामने, ये लैम्प पहले ऐसे चलते थे, लैम्प मिट्टी के तेल से चलते थे, बीच में वो डाल के, हाँ लिखने के लिए वो कलम वगैरह। आजकल तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, पुराने टाइम की ये चीज़ थी पहले, सामने वो बैठने का वो, ये सामने सबसे बड़ी चीज़ लगी 15 नंबर, आगे 16, 17, 18 है ना, भीड़ ज़्यादा है, बट कोशिश ये करूँगा कि आपको एक्सप्लोर करवाऊँ, जितना भी करवा सकता हूँ उतना करवाऊँगा, बाकी ठीक है। हर जगह लिखाओ माइंड योर हेड, छोटी 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 गलियाँ कह लो या गलियाँ कह लो, छोटे छोटे रस्ते बहुत है, सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे वहाँ पे गए थे नारगढ़ फोर्ट में, नारगढ़ फोर्ट में भी छोटी थी वही चीज़ है, मतलब हर महल में ये चीज़ है, वो तो वो ज़्यादा थी, फिर भी ठीक है, वहाँ तो बिल्कुल पतला होकर निकलना पड़ता था वो तो, हाँ इससे भी कम थी वो, बारिश ने ना थोड़ा काम खराब कर दिया, और फिर ऊपर जाना है। ओ भाई ये तो भूल भुलैया, एक बार आओ विजिट करो, अच्छी अच्छी जगह, डंडे वगैरह भी लगाए उन्होंने। अभी तो आए थे यहाँ पे, अच्छा दोबारा, अच्छा ये यहाँ पे नहीं आए, ये देखो ओल्ड इवोरी डोर, कितना पुराना टाइम का बना हुआ, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर ऐसे था आफ्टर, या बोलते इसको पिंग झूलना, पंजाबी जी कहते पिंग झूलना है ना, ये पुराने टाइम की है, अच्छी जगह
मजा आ गया। एक बात मतलब ये जो कालीन बिछे हुए ना, ये जेल के जो कैदी थे ना, उन्होंने बनाई ये चीज़ पूरी जेल में बैठ के। लिखा हुआ ये देखो, ये आ गया 16वां नंबर। और ये सामने इसका क्या हिस्ट्री क्या इसकी, वो लिखा हुआ सामने सीटिंग, ट्रेडिशनल सीटिंग, मतलब यहाँ पे बैठ के हुक्का वगैरह अपने मतलब ऐशो आराम की जो ज़िंदगी होती है वो है, पुरानी टाइम की पुरानी लक्कड़। ये अच्छी चीज़ लगी है, 16, 17, 18, 19 ऐसे सीरीज वाइज लगी हुई है ना, ये पहले टाइम की जुआ या कह लो या कुछ भी शतरंज कह लो कुछ भी कह लो, ये वो बनी हुई है। और सामने हाँ महाराजा भीम सिंह जी, आई लाइक इट। ये भीम विला, हाँ ये महाराणा भीम सिंह का है जो सारा मैंने आपको दिखाया। जाऊँगा छोटी छोटी है, काफ़ी छोटी है। यहाँ पे बंद की हुई ना वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, यहाँ पे इन्होंने ताले मारे हुए। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया व्यू बाहर का, सूर्य प्रकाश महाराणा स्वरूप सिंह, पूरे ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल नैरो है। पुराने टाइम का देख लो, हाँ ये देखो